गाजा में अब इजरायली फौज हांफने लगी है। इजरायली डिफेंस फोर्स यानी IDF ने हमास को मिटाने का जो सपना देखा था अब शायद सपना ही रह जाए, क्योंकि जिस तरह से गाजा के अलग अलग हिस्सों में IDF हमास के हमलों का सामना कर रही है उसे देखकर ऐसा लगता है कि गाजा के भीतर अब बाजी पलट चुकी है और इसका एहसास खुद इजरायली सेना के आला अफसरों को भी है। और यही वजह है कि अब पर्दे के पीछे IDF के जनरल गाजा में युद्ध विराम चाहते हैं जिससे लेबनान बॉर्डर पर शांति बहाल हो, लेकिन नेतन्याहू की जिद की वजह से IDF पर इन दोनों फ्रंट पर भारी दबाव पड़ रहा है। जिसका सबूत हमास की सैन्य शाखा अल कासिम ब्रिगेड का ये वीडियो है जो गाजा से आया है। दरअसल गाजा के रफा में अल कासिम के लड़ाकों ने IDF के जवानों और उनके वाहनों पर एक बहुत बड़ा हमला किया है, या फिर यूं भी कह सकते हैं कि हमास के लड़ाकों का ये बहुत ही ज्यादा डेयरिंग हमला था। दरअसल यहां पर अल कासिम के दो लड़ाके दौड़ते हुए जाते हैं और सामने खड़े इजरायली टैंक में बम रख कर तुरंत वहां से भाग निकलते हैं और इसके कुछ ही सेकंड में टैंक में एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और टैंक आग के गोले में तब्दील हो जाता है। इसी वीडियो में साफ दिख रहा है कि इस धमाके के बाद भी हमास के लड़ाके रुकते नहीं हैं, बल्कि वो फिर से इस टैंक की तरफ एक रॉकेट फायर करते हैं। और इसके तुरंत बाद हमास का लड़ाका सड़क पर आकर सामने से आ रहे IDF के टैंक पर फिर से रॉकेट दाग देता है और यहीं से फिर IDF और हमास के बीच ताबड़तोड़ गोलीबारी शुरू हो जाती है। वीडियो में आगे दिख रहा है कि अल कासिम का एक लड़ाका लॉन्चर में रॉकेट भरकर उन्हें दनादन फायर कर रहा है। और इन हमलों के बीच गाजा के नूर शाम्स कैंप में अलकुस ब्रिगेड और तुलकाराम ब्रिगेड साथ मिलकर IDF के टाइगर सैन्य वाहन पर एक बड़े IED ब्लास्ट से हमला कर देते हैं। अलकुस ने इसका एक वीडियो भी जारी किया है जिसमें साफ दिख रहा है कि कैसे IDF का ये वाहन आगे की तरफ बढ़ रहा होता है, तभी अलकुस के लड़ाके उस वाहन पर रॉकेट से हमला कर देते हैं जिसमें बड़ा धमाका होता है और धमाके की कुछ देर बाद IDF जवान वहां से भागते हुए नजर आते हैं। और इस हमले के अलावा अल सुजाया कैंप में भी अल कुज ने IDF के नोमिर सैन्य वाहन पर एक बहुत बड़ा हमला किया है। अल कुज ने इसका एक वीडियो भी जारी किया है जिसमें दिख रहा है कि कैसे एक लड़ाका रॉकेट लॉन्चर लेकर आगे बढ़ता है और उसे सामने से IDF का ये वाहन आता दिखाई दे जाता है जिस पर इजराइल का झंडा लगा होता है। इसके बाद ये लड़ाका उस पर रॉकेट फायर कर देता है जिसमें जबरदस्त ब्लास्ट होता है। और इसी हमले के दौरान अल कासिम ब्रिगेड की भी इजरायली सैनिकों से तगड़ी भिड़ंत होती है। अल कासिम ने इसका एक वीडियो भी रिलीज किया है जिसमें देखा जा सकता है कि एक लड़ाका फोन पर कुछ बात करता हुआ दिख रहा है। इसके बाद एक कैमरे से इसी इलाके में IDF के कुछ सैनिकों पर पहले घात लगाई जाती है और फिर उसके बाद उन पर स्नाइपर राइफलों और रॉकेट लॉन्चर से दनादन हमले कर दिए जाते हैं। वीडियो में दिख रहा है कि सामने एक बिल्डिंग में IDF का एक जवान झांक रहा होता है जिसके ऊपर अल कासिम के लड़ाके हमला कर देते हैं। और इसी दौरान चारों तरफ फायरिंग की तड़तड़ाहट सुनाई देने लगती है। अल कासिम के लड़ाके बिना रुके गोलियों की बरसात कर देते हैं और इसी दौरान अल कुज के लड़ाके रफा के भीतर इजरायली सैनिकों और उनके सैन्य वाहन पर फिर से एक बड़ा हमला करते हैं। यहां पर अल कुज के लड़ाके IDF के ऊपर गोला बारूद से हमला करते हैं। अल कुज के इस वीडियो में दिख रहा है कि दूर से एक टैंक आगे की तरफ बढ़ रहा होता है, तभी उसके ऊपर अल कुज का एक लड़ाका घात लगाकर रॉकेट फायर कर देता है जिसमें जबरदस्त धमाका होता है।
और इसके तुरंत बाद यहां से आईडीएफ के जवान भागने लगते हैं, जिनके ऊपर भी अलकुज के लड़ाके फायरिंग शुरू कर देते हैं। इसी वीडियो में आगे देखने पर हमास के कुछ लड़ाके पेड़ों के पीछे छिपकर घात लगाकर रॉकेट फायर करते हुए भी नजर आ रहे हैं।